हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम एकेडमी में। दोस्तों, सोम एकेडमी ने आपके लिए जो है पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ है आपका प्राथमिक स्तर सी टेट का आपका एग्ज़ाम हुआ है 9 दिसंबर 2018 को, सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसके बाद हम लगातार आपके लिए वीडियो भेजते रहेंगे ताकि आप सभी को पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61वें क्वेश्चन में है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे, तो पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड ऑप्शन हमें मिलता है, इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया, तो यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों मेरे पास है के सीरीज का सेट, तो दोस्तों आप उसी के अनुसार अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं और मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा आपका थर्ड, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्योंकि देखिए क्यों है ऐसा संसाधन, तो इसके बारे में हमें बताना था। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। दोस्तों वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं, EVS शिक्षा अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता और माँ और बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यदि दादा और दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है, इस बारे में क्या सोचते हैं? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण की समावेशी नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं, 66वें क्वेश्चन में हम देखते हैं, कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियाँ हैं? तो ये फील्ड वर्णन, श्यामपट का उपयोग, चित्र पढ़ना, सभी क्या हैं इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है 67, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकती है। तो देखिए समावेशी, विषयगत, एकीकृत, तीनों ही ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट होंगे, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, EVS पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है, तो इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। देखिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या होता है, विद्यालयों में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। देखिए मिड डे मील चलाने का उद्देश्य यही है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन्हें खाली पेट ना रहना पड़े, अर्थात उन्हें भोजन मिल जाए। चलिए देखते देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखने का क्या बताता है? देखिए बोझ के बिना जो सीखना है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? देखिए पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाला
क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, बाला का पूरा नाम क्या है। देखिए पूरा रूप पूछा गया है, तो पहला ही है बिल्डिंग एज लर्निंग एड अर्थात अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, तो वैकल्पिक ढांचे का जो सही अर्थ होगा वो होगा आपका चौथा ऑप्शन विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, महिला पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, यह क्या है। एक यह रूढ़िवादी धारणा है अर्थात हमारी पुरानी धारणा बन चुकी है, उसे हम बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा, हमने सोच लिया है तो वो पुराने विचार हैं हमारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू और गोवा की स्थिति क्या है। देखिए बिहार से जो है जम्मू कौन सी दिशा में पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर पश्चिम और गोवा पड़ता है दक्षिण पश्चिम, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, तो सतह क्षेत्र और तापमान में कमी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानों दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है आपका, ग्राफिक कौशल कहलाता है, ग्राफ के द्वारा जब आप समझते हैं, तो 77वें का आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की, तो यहाँ NCF 2005 आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 79, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, चैनल को कर लीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप हमें कमेंट भी कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखिए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों ही क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, देखिए क्यों नहीं होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। दोस्तों रेगिस्तान में गर्मियों में गर्म हो जाता है और ठंडियों में ठंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ताजमहल के पीले होने के कौन से कारण हैं अर्थात कौन जिम्मेदार है, तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल जो है पीला पड़ता जा रहा है, इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। देखिए गोलकोंडा किला काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 g/mL घनत्व है तो 3 mL आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए 3 की अगर 15 से मल्टीप्लाई किए जाएगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 45, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, कौन सी अदिश राशि है। देखिए कौन सी अदिश राशि है, वो होगी आपकी भार, क्योंकि संवेग द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण क्या है, सदिश राशि है, अर्थात भार आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण पुंज गुजर नहीं सकती। देखिए प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु होती है, ओपेक, उसके आर पार नहीं गुजर सकता है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 किलोग्राम है। देखिए चंद्रमा पर पृथ्वी का जो है छठा हिस्सा ही द्रव्यमान का होता है, अर्थात कह सकते हो कि 10 किलो अगर वजन अगर चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर 60 किलो वजन होगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सतह क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, तो कौन सा ऐसी सबसे उपयुक्त रणनीति है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो दोस्तों, यूपी टेट का सॉल्यूशन हमने दिया है, आपको सी टेट का सॉल्यूशन भी हमने इसी तरीके से प्रोवाइड किया है। सबसे पहले दोस्तों अन्य एग्जाम के जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे, इसके अन्य भाग भी हम तुरंत लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।